हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम झटपट चीज़ मैगी बॉल बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मैगी को बॉईल करेंगे। मैगी बॉईल करते समय हम मैगी मसाला नहीं ऐड करेंगे। ये बॉईल हो गया, अब हम इसको ठंडा होने देंगे एक सर्विंग प्लेट में। ठंडा होने के लिए जब हम देंगे तो हम मैगी में एक स्पून ऑयल दे देंगे, रिफाइंड ऑयल। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपका क्वांटिटी हो आप उस हिसाब से ऐड करें। सब मैगी मसाला ऐड करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें हम एक स्पून टेस्ट के लिए सॉस भी ऐड कर लेंगे और उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेंगे। 2-3 स्पून हम मैदा लेंगे, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप कॉर्नफ्लोर 2 स्पून यूज़ करें। मैं कॉर्नफ्लोर के जगह राइस फ्लोर ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी और क्रंची बनता है। बैटर में हम ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिली फ्लेक, ऑरिगेनो डालकर हम इसको बैटर को तैयार करेंगे। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक, ऑरिगेनो, ये सब मिक्स करके हम बैटर तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। धीरे धीरे वाटर ऐड करते जाएं और इसे स्पून से ऐसे मिक्स करते जाएं, इससे लम्स फ्री बैटर बनेगा हमारा। बैटर हम बहुत ही पतला बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ के ऊपर पतली सी कोटिंग करनी है कि इसके ऊपर क्रम्स अच्छे से चिपक जाए। बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, हमें यही कंसिस्टेंसी रखना है, वरना चीज़ जैसे ही तेल में जाएगा तो वो पिघल कर बाहर आने लग जाएगा। ये हमारा बैटर बन गया है। मैगी बॉल्स के ड्राई कोटिंग के लिए हम मैगी का ही यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैकेट मैगी को क्रश कर लिया है। चीज़ को हम छोटे छोटे क्यूब में कट कर लेंगे। मैगी ड्राई हो गया है, देखिए कितने अच्छे से एक एक पीस अलग हो रहा है। अब हम इसको बॉल्स बनाएंगे। इसके लिए हम हैंड वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम हैंड में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके फिर हम इसको मैगी को इस तरह से बॉल के शेप में ऐसे बना के बीच में एक चीज़ के क्यूब ऐड करके इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा है हम उसको निकाल देंगे और हम ऐसे इसको बॉल शेप दे देंगे। इस तरह हम सारे मैगी को बॉल शेप दे देंगे। मैगी बॉल्स बन गया है, अब हम इसको बैटर में डिप करके इसकी ड्राई कोटिंग कर लेंगे। बैटर में डिप करेंगे इसको और हमने जो मैगी चूर बनाया था इसमें इसको देके हल्का सा प्रेस करते हुए इसका ड्राई कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। जब तक हम बॉल बना रहे हैं तेल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पर। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसको इसमें बॉल्स ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, नहीं तो जैसे ही हम मैगी बॉल्स उसमें ऐड करेंगे तो चीज़ पिघल कर बाहर आ जाएगा तेल में। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कम गर्म करेंगे तो ये तेल पी लेगा, इसलिए हम तेल को मीडियम गर्म करेंगे। लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। जब भी हम चीज़ बॉल बनाएंगे तो हम फ्रोज़न चीज़ यूज़ करेंगे। यम्मी मैगी चीज़ बॉल बन गया है। इस तरह से मैगी चीज़ बॉल बनाकर आप अपने घर पर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट करें कि यह 2 मिनट की मैगी चीज़ बॉल की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। एक मैं आपको चीज़ी मैगी बाइट लेकर दिखाती हूँ। ये बहुत ही यम्मी बाइट है।